नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ऑनलाइन प्रदर्शनी भ्रमण की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भ्रमण करेंगे विथि संकुल अनुभाग की दीर्घ क्रमांक 4, जिसका टॉपिक है मांडवा गोहरी भील राठवा एक धार्मिक प्रादर्श। इस दीर्घा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि इलाकों में निवासरत भील समुदाय की जीवन पद्धति को दर्शाया गया है। दीर्घा में भील समुदाय की विशेष प्रादर्श संरचनाएँ जैसे गोल गाधेड़ो, भील राठवा धार्मिक प्रादर्श, गातला पूजा, इंद पूजा इत्यादि संरचनाओं को अत्यधिक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भील समुदाय राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इलाकों में प्राचीन समय से निवासरत हैं। आधुनिकीकरण, प्रवासीकरण और नवीन लोगों के संपर्क के बावजूद भी इन समुदायों ने अपने मेलों, अपने त्योहारों, अपनी धार्मिक परंपराओं, अपनी चित्रकला, अपने संगीत, अपने खानपान, अपने रहन सहन और अपने पहनावे के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाए रखने में ये सक्षम है। दीर्घा में प्रदर्शित संरचनाओं को इनके वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए स्वर्गीय आनंदी लाल पारिख द्वारा खींचे गए विशेष छायाचित्र जो कि स्वेच्छ श्याम हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, उनके माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। भील समुदायों में जहाँ भगौरिया जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में गोल गाधेड़ो भी एक महत्वपूर्ण पर्व है। गोल गाधेड़ो होली के पश्चात 8वें दिन, जो कि आठम कहलाता है, इस दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में 7-8 गांव के बीच में एक स्थान का चयन किया जाता है, जहां पर मैदान के बीच में एक लगभग 30 से 40 फीट लंबे खंभे को गाड़ दिया जाता है, जो कि चिकना और स्मूथ होता है। आसपास के गांव से आए हुए युवतियाँ, लड़कियाँ इस खंभे के चारों तरफ घेरा बना के खड़ी हो जाती हैं, और युवाओं द्वारा, मतलब युवा जो लड़के होते हैं, वो इस घेरे को तोड़ते हुए इस खंभे के शीर्ष में बंधे हुए गुड़ और नारियल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि ये इसमें सक्षम हो जाते हैं, चूँकि ये लड़कियाँ इन लड़कों को नोचती हैं, काटती हैं, रोकने का भरसक प्रयास करती हैं, उसके बावजूद यदि ये सक्षम हो जाते हैं, तो ऐसी मान्यता रही है कि उन लड़कियों में से किसी से भी वह युवक विवाह कर सकता है। दाहोद एरिया में क्षेत्र कार्य के द्वारा यह ज्ञात किया गया कि यह परंपरा न केवल युवाओं के लिए है, बल्कि कुछ शादीशुदा लोगों के लिए भी है। शादीशुदा वो जिनकी शादी हो गई हो, लेकिन उनको किसी बच्चे की प्राप्ति ना हुई हो या संतान उनके यहाँ पर ना हुई हो। इसका मकसद अन्य युवाओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। भील समाज में प्रत्येक परिवार की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक संपत्ता हेतु समाज के प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो महत्व उसके जीविता अवस्था में होती है, उसी महत्व उसकी मृत्यु के पश्चात दर्शाने अथवा महसूस कराने का अनुष्ठान ही गातला पूजा है। गातला व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उसकी याद में उसके व्यक्तित्व अनुसार 3 से 4 फीट की पत्थर अथवा लकड़ी की मूर्ति को कहते हैं, जो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। किसी पुरुष के गातला बनाते समय उसके साथ बाबा देव के जोड़े के साथ ही पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें कभी कभी सूर्य, चंद्र, तारा भी दर्शाया जाता है, जो कि समानता है व्यक्ति के मृत्यु के समय को दर्शाता है। किसी विवाहित महिला का गातला केवल एक ही मूर्ति बनाई जाती है, तथा कोई सत जैसे त्रिशूल अथवा दिया इस गातले के साथ ही पास में गड़ा दिया जाता है। किसी बच्चे का गातला बनाते समय मूर्ति में दो बच्चे को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दर्शाया गया है, इसमें एक देवता का स्वरूप होता है। किसी बच्ची के गातला में चिटकी माता अथवा सावन माता को भी दर्शाया जाता है। मध्य प्रदेश तथा गुजरात में निवासरत भील तथा राठवा समुदाय के लोगों के जीवन में बाबा डोंगरदेव का स्थान गाँव के बाहर जंगल में किसी पुराने सगौन वृक्ष के नीचे होता है। ये देव इन लोगों के लड़ाई झगड़ों से लेकर बीमारी, सुख दुख आदि के निवारण का स्थान माना जाता है। इस स्थल में किसी परिवार द्वारा मन्नत मांगने पर वर्तमान में मिट्टी से निर्मित घोड़ा, हाथी, ऊंट, मंदिर इत्यादि मन्नत के रूप में अर्पण करते हैं। इस स्थान में मन्नत मांगते समय उनके पुजारी अथवा बढ़ावा की भूमिका होती है।
जो कि पुजारी मंत्र के द्वारा ईश्वर तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। इस पूजा में व्यक्ति अपने समर्थता के साथ मुर्गा बकरा आदि भी भेंट दिया जाता है। विधि संकुल के इस ऑनलाइन एपिसोड में बस इतना ही, फिर एक नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।